बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। मैं पहले भी एक रेसिपी बता चुकी हूँ, ये डिफरेंट है। तो ये मैंने आलू लिए हैं, तकरीबन 4 आलू लिए हैं, उनको मैंने बॉयल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये धनिया लिया है, पुदीना और हरी मिर्च, अजवाइन ली है, और मैंने जो है कुटी मिर्च, नमक, और ये मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। अभी मैंने पुदीना डाल लिया है और ये डाल रही हूँ अभी हरा धनिया। हरी मिर्च डाल रही है, हरी मिर्च मैंने 2 अदद काटी हैं, बारीक बारीक काटी हैं। अजवाइन और कुटी मिर्च गई है, और अभी ये गरम मसाला सब कुछ मैंने डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अभी ये आटा जो हम जैसे रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, वही आटा है, वही आटा मैं ले रही हूँ, जिसके छोटे छोटे 2 पेड़े बना लेंगे इस तरह से। इसी तरह का दूसरा भी बना लेंगे इस तरह से, दूसरा भी बन गया है। अब इसके ऊपर घी लगा देंगे, एक ही हिस्से पे घी लगाऊंगी, और अभी इसको जो है फिलका देंगे। ये आलू जो मैंने इसका तैयार किया है, इसको अच्छी तरह से फैला देंगे, सेट कर देंगे ऊपर। बहुत ही मज़े का बनेगा। अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो, और जैसे कुटी मिर्च अगर आप ऐड करना चाहती हैं तो ऐड कर लें। वैसे ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च भी बहुत मज़े का बनता है। इसको अच्छी तरह से ये जो साइड से मिला देंगे ताकि आलू बाहर नहीं निकले। तो ये इस तरह से अब इसको पलट देंगे। ये मैंने तवे पे डाल दिया है, और अभी जो है इसकी साइड बदलेंगे। साइड मैंने बदल ली है, अब इसके ऊपर जो है मैं घी लगा दूंगी इस तरह से। अच्छी तरह से घी लगा दिया है, अब इसको मैं पलट दूंगी इस तरह से। एहतियात से पलटिएगा। ये देखें, ये पराठा तैयार है, बहुत ही मज़े का बनेगा। आप घर में ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताना कैसे बना है। तो ये पहले जो मैंने वीडियो दी थी वो डिफरेंट आलू का पराठा था, बहुत ही डिफरेंट था। तो ये पराठा तैयार है, गरम गरम, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखना। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।